अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहजपुर गांव में तूफान के बाद बिजली विभाग की बद इंतजामी की वजह से बिजली के 11,000 केवी के तार टूटकर ट्रैक्टर पर जा गिरे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आग से निकालकर स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई बंद होने के बाद आग पर काबू पाया। सहजपुर निवासी हाजी सुमेर खान के घर के बाहर बिजली का ट्रांसफार्मर टूटा हुआ था। आज उसको बिना ठीक किए ही बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और उसके नजदीक खड़े ट्रैक्टर को बचाने के लिए सुमेर खान, छल्ली पुत्र सिताब खान, बस्सी पत्नी हाजी सुमेर और जमशीदा गए और ट्रैक्टर को धक्के मारने लगे, तो तभी बिजली के करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से चारों झुलस गए, जिसमें हाजी सुमेर की हालत गंभीर है। परिजन आसू खान ने बताया कि वे अपने दूसरे घर में थे, तभी अचानक आवाज आई तो वहां पहुंचे और आग लगती हुई दिखाई दी। ये चारों लोग झुलस चुके थे, जिसमें हाजी सुमेर खान की हालत गंभीर है। सर, हम तो एकदम से 10-12 आदमी एक दूसरे घर पे थे, फिर एकदम से मतलब अचानक आवाज़ आई और आग लगती दिखी हमको, तो बाद में ये सब चार घर ये एक जगह पड़े मिले हमको। तो क्या लाइन गिरी है? हाँ, लाइन गिरी है सर। कितने की लाइन गिरी, किस पे गिरी? सर, लाइन तो वह सिंगल फेस की लाइन है, 11,000 आई है, जाने कैसे आई है, लट्ठा सारा टूटा पड़ा है। ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये सर कोई घर का ही काम कर रहे होंगे, हम तो सर दोस्त में हैं, पड़ोस में हैं थोड़ी सी। ट्रैक्टर पे गिरी? हाँ, ट्रैक्टर पे गिरी है। जब ट्रैक्टर अनपढ़ आदमी है, ट्रैक्टर को मतलब धकाने की कोशिश करी है, तो तुरंत सभी जो आ रहा जो ही ट्रैक्टर में आग लगी। टायर वेयर ट्रैक्टर का टायर खत्म हो गया। हाँ, उसके बुझाने के चक्कर। कौन कौन लोग घायल हुए? एक तो सुमेर हाजी और एक वो छल्ली और एक लड़की और सारा घर ही और उनके कम करंट आया। सहजपुर सहमत कबास प्रधान कबास। ये घर ये तो 3 आदमी आए हैं सर, चार आए। हालत कैसी है? हालत ज़्यादा नाजुक है सर, सुमेर हाजी की तो सबसे ज़्यादा नाजुक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसू खान। आप क्या लगते हैं? मेरा सर चाचा लगता है परिवार। थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि बिजली विभाग की टूटी हुई डीपी को ठीक किए बिना ही पावर सप्लाई चालू किए जाने से ये हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। सूचना मिली कि सहजपुर गांव में बिजली अतिरिक्त लगने से बचने से 4 आदमी घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचा, घायलों को हॉस्पिटल लग गया है, अभी इलाज चल रहा है। 4 आदमी, दो आदमी दौड़ते सहजपुर के हैं, 4 घायल हैं।